हेलो गाइस, मेरा नाम निकेत है। नेटवर्किंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ वो नेटवर्किंग के केबल्स के बारे में है, यानी मीडिया जिसको मैं बोल सकता हूँ। पिछले जैसे लेक्चर में मैंने बताया था कि नेटवर्किंग के टाइप्स कितने, लैन वैन और मैन के बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। इस वीडियो में मेरा जो मकसद है वो बताना कि ये लैन हम लोग समझो नेटवर्किंग करते हैं तो उसके अंदर मैं कौन से प्रकार के केबल का इस्तेमाल करूँगा कि जिसके ज़रिए मैं नेटवर्किंग आसानी से कर पाऊँगा और चीपर भी मैं कर पाऊँगा। यानी अभी जैसे कि मार्केट में अगर लेने जाओगे केबल्स तो बहुत सारे टाइप्स के मिलते हैं, राइट। लेकिन अभी आपको कौन सा केबल आपके लिए अच्छा सूटेबल रहेगा, अच्छा पड़ेगा आपको नेटवर्किंग करने के लिए, तो ये इस वीडियो का मेरा मकसद वही है बताना, जिसमें केबल की मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, हर एक केबल्स के बारे में डिफरेंशिएट भी बताने वाला हूँ सो देट आपको आसानी पड़े समझने में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क केबल्स, जिसको हम लोग नेटवर्क मीडिया भी बोल सकते हैं, मीडिया ने जिसके ज़रिए नेटवर्क का कम्युनिकेशन होता है। अगर आप टाइप्स की बात करें नेटवर्क मीडिया की, तो उसमें सबसे पहला है सिंगल ट्विस्टेड पेयर। सिंगल ट्विस्टेड पेयर आपको जैसे पीछे के चित्र में यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल ट्विस्टेड पेयर है जो यहाँ पे दो वायर को आपस में ट्विस्ट करा के, इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहला जो है सिंगल ट्विस्टेड पेयर, उसके बाद में आएगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसके बाद में कोएक्सल केबल, फिर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी केबल, और आखिरी में आएगा फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये वीडियो चालू करने से पहले इतनी जानकारी दे दूँ कि फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में अलग से मैं एक स्पेशलाइज फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने छोटा एक्सप्लेनेशन दिया कि फाइबर ऑप्टिक कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट विथ सिंगल ट्विस्टेड पेयर। सिंगल ट्विस्टेड पेयर जो वायर रहता है उसमें बेसिकली होता है कैसा, एक नॉर्मल वायर अंदर कॉपर का ही वायर रहता है मेन, जिसके ज़रिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, और दो वायर को आपस में ऐसा ट्विस्ट कर दिया है। ये ट्विस्ट क्यों करते हैं, क्रॉस टॉक के लिए। क्रॉस टॉक का मतलब है कैसा होता है कि जब भी वायर में से करंट कोई पास करता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, इस फील्ड को आपस में बंद कर देने के लिए, यानी जिसके ज़रिए नेटवर्क कम्युनिकेशन फास्टर होगा, तो इसका इस यूज़ हम लोग करते थे पहले के ज़माने में। आज की तारीख में भी जो BSNL है वो टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए इसका इस्तेमाल करती है कोई कोई रिमोट एरियाज़ में। ये जो पूरा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सिंगल ट्विस्टेड पेयर केबल, या इसका जो इस्तेमाल जो होता है पहले के ज़माने नेटवर्किंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वह है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अभी शील्डेड का मतलब है कुछ बंद किया हुआ, राइट। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने उसका फ़ोटो भी बताया हुआ है, इस फोटो में आप देखोगे कि इसमें चार चार पैर दे दिए। पहले कैसा था, दो ही पैर्स थे वायर के, लेकिन अंदर का जो कॉपर वायर था ना वो थोड़ा थिक था, जाड़ा था। ओके, उसके बाद जो हो गया, मतलब ये शील्डेड ट्विस्टेड पैर है, इसमें कॉपर जो है वायर है वो थोड़ा सा हल्का पतला कर दिया, लेकिन एक की जगह पे चार वायर दे दिए कम्युनिकेशन करने के लिए। मान लो कि दो वायर आपके RX के रहे, दो वायर TX के रह गए। इसका भी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट जब क्रिम्पिंग का टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ आगे, इसके अंदर इसका पूरा डिटेल एग्जांपल देने वाला हूँ। इसके अंदर होता कैसा है कि ये चार पैर के वायर को अलग अलग, यहाँ पे आप देखोगे फॉइल से ढका हुआ है पूरे वायर को, पूरे वायर में रहता है ये टॉप टू एंड, ये पूरे वायर को अलग अलग स्प्लिट करके अलग अलग चारों एल्यूमिनियम फॉइल से उसको ढक दिया। देखो यहाँ पर दिखा है मेटालिक जो फॉइल है उसे ढका हुआ रहता है इस केबल को, 150 ओम्स का केबल रहता है ये। ओके, इसके बाद और इसके ऊपर पूरे ये चारों वायर तो ढके हुए प्लस एक एल्यूमिनियम का पूरे शील्ड ऐसा जाली जैसा पूरा लगा हुआ रहता है केबल के अंदर। ये केबल बहुत इंपॉर्टेंट था, इस केबल के वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल रहता है एकदम प्योर मिलता है। इसके एडवांटेज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। पहली बात, इसका जो गेज रहता है यानी ये पूरा जो ऑर्बिट रहता है इसका, ये आप अगर केबल देखोगे तो इसकी साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। मान लो कि 50 कंप्यूटर और एकदम जाड़े जाड़े वायर डाल दिए तो मेरा रूम पूरा वायर से ही भर जाएगा, आदमी बैठेगा कहाँ पे। इसके लिए फिर ये जो है इंपॉर्टेंट कि इसका जो पूरा थिकनेस कितना होगा वायर का, तो ये इसका थिकनेस इस जाली और ये इस शील्ड की वजह से बढ़ जाता है। प्लस इसके अंदर जाली दोनों साइड से आपको ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि दोनों साइड से आपने ग्राउंडिंग नहीं किया तो क्या आपका अनवांटेड सिग्नल बाहर से नेटवर्क के जैसा काम करने लगेगा, यानी एंटीना के जैसा काम करेगा, और जो सिग्नल नहीं भी चाहिए ना वो भी पकड़ के केबल्स के अंदर डाल देगा। इसकी वजह से जो हमारा जो केबल का जो कम्युनिकेशन तो अच्छा होता ही है, लेकिन बुरा क्या होता है तो उसके जगह दूसरे सब सिग्नल्स भी इसके साथ में पास होना चालू कर देता है।
सो इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर सिल्डेड ट्विस्टेड पैर का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है एसटीबी केबल। इसकी जो कैटेगरी आती है वो कैटेगरी 7 में आता है इसको, यानी कैट 7 वायर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। हालांकि इसका यूज़ करना बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंडिंग और ये सब प्रॉपर देख के आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ, तो ये नेटवर्क के जो अंदर जो वायर रहता है, इसमें कम्युनिकेशन जो 100 Mbps तक ये कम्युनिकेशन की स्पीड हमको जनरेट करके दे सकता है। प्लस ये वायर की कैपेसिटी 100 मीटर्स तक रहती है, मतलब मान लो कि एक बार मैंने डेटा डाल दिया तो 100 मीटर्स तक आपको बीच में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको एक राउटर या कुछ ब्रिज वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा, फिर आगे वो सिग्नल को फॉरवर्ड कर सकता है, 100 मीटर्स तक वो सिग्नल चलेगा। तो ये है शील्डेड ट्विस्टेड पैर। बेसिकली ये एक्सपेंसिव होने की वजह से और इस थिकनेस जाड़ा होने की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर। इसके बाद आया कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की ये बात करें तो एक जो अपने टीवी के अंदर जो केबल आता ना, उसके अंदर जो वायर का इस्तेमाल किया जाता है वो ये रहता है। इसके अंदर होता कैसे, एक जाड़ा कॉपर वायर रहता है पूरे इसके अंदर, प्लस एक प्लास्टिक का पूरा शील्ड है, उसके बाद में शील्ड लगाया रहता है जाली जैसा, कुछ एल्यूमिनियम के फॉइल भी लगा हुआ रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल है उसके ऊपर शील्ड है। सो इतना सारा पैकिंग किया हुआ रहता है एक वायर के अंदर, तो आपको बाहर के सिग्नल मिलना इसमें मुश्किल है। और इसको देखो, आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ऊपर मैंने ये वायर के ऊपर भी मैंने देखो दिखाया है यहाँ पे किस तरह से उसको पैकिंग किया रहता है। सो इसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता था और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता था, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, इसकी थिकनेस है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये हार्ड भी ज़्यादा है। यानी मान लो कि मुझे एक दीवार में से ये वायर्स को डालना है तो स्ट्रेट चले जाएगा, लेकिन आड़ा टेढ़ा करके डालना है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से कोएक्सियल केबल हमारे काम में नहीं आता है। बेसिकली इसका रीज़न एक ही है कि उसका डायमीटर, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ये 1 सेंटीमीटर के आसपास का डायमीटर इसमें होता है। लेकिन इसकी कुछ अच्छी बातें भी है कि ये स्पीड के मामले में बहुत अच्छा है, मैं आपको आगे बताता हूँ उसके स्पीड के बारे में भी। नेक्स्ट जो है यूटीपी केबल, यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर। शील्डेड ट्विस्टेड पैर में आपने देखा है कि शील्ड वगैरह फॉइल वगैरह कुछ लगा देता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर के अंदर अलग अलग कैटेगरी के वायर है, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7, जो Cat7 देखो शील्डेड है, दिख रहा है आपको। सो ये हम लोग ये तीन केबल के बारे में यूटीपी केबल के अंदर सीखेंगे। तो यूटीपी केबल किसको बोला जाता है, यूटीपी केबल में बेसिकली फ़र्क इतना ही रहता है कि उसमें शील्ड नहीं किया रहता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ओम की स्पीड से ये ट्विस्ट किया हुआ रहता है वगैरह वगैरह। उसमें 20-24 गेज का कॉपर वायर रहता है पूरे वायर के अंदर। सो इसकी खासियत एक ही है कि ये जो है पतला है, पतला होने की वजह से उसका डायमीटर कम हो गया। डायमीटर देखो यहाँ पे 0.17 इंचेस, इतना ही मतलब छोटा सा डायमीटर है। इतना छोटा डायमीटर होने के आराम से फ्लेक्सिबल वायर हम लोग इसको बोल सकते हैं, और हम लोग उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भी लेके जा सकते हैं और आराम से उसके ज़रिए नेटवर्किंग कर सकते हैं। आजकल हम लोग जो भी ऑफिसेज वगैरह में यूज़ करते हैं वो जनरली हम लोग यूटीपी केबल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि डिसएडवांटेज ये है कि जो केबल ट्विस्टेड किया हुआ ना, लेकिन उसमें शील्ड ना होने की वजह से इसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड्स भी जनरेट होते हैं, तो बार बार उसको प्योरीफाई करना पड़ता है सिग्नल्स को। लेकिन कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल से तो ये कम ही डिस्टेंस तक चल सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 100 मीटर्स तक ही काम करता है। यदि आप शील्डेड ट्विस्टेड पैर के अंदर देखोगे ना तो वो भी 100 मीटर्स तक काम करता है। लेकिन यूटीपी केबल की जो स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो शील्डेड में 10 से लेकर 100 Mbps था, जबकि यूटीपी केबल 10 से लेकर 1000 Mbps तक काम करता है। ये 1000 Mbps कैट 5 नहीं यूज़ कर सकता, कैट 6 यूज़ होता है। सो पहले तो मैं आपको अभी डिफरेंस बता दूँ कैट 5 5e के बारे में डिफरेंस, और कैट 5e और कैट 6 के बारे में डिफरेंस, क्योंकि ये वायर बाज़ार में ज़्यादातर चलते हैं। ऐसे कैटेगरी के वायर अगर आप देखोगे ना तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 5e एंड 6 कैटेगरी है ना कैट। सो कैट 1 का इस्तेमाल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, कैट 2 का इस्तेमाल अगर 4 Mbps का डेटा अगर आपको सेंड करना है नॉर्मल ट्रांसमिशन के लिए तो ठीक है, कैट 3 का इस्तेमाल 10 Mbps तक काम करता है, कैट 4 का इस्तेमाल 16 Mbps। यहाँ तक तो हमारा मतलब नेटवर्क बहुत 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 स्लो चलेगा। उसके बाद है कैट 5 जो ज़्यादातर चलता था हमारे इंटरनेट नेटवर्किंग करने के लिए, सॉरी इथरनेट नेटवर्किंग करने के लिए। सो ये 100 Mbps तक काम करता है। कैट 5e जैसे मैंने बताया वो 1000 Mbps पर काम करता है, ये गीगाबाइट पर सेकंड, यानी 1 GB/s के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका। और कैट 6 वो भी ये कैट 5e से और ज़्यादा अच्छा है, देखते कैसे। पहले तो मैं आपको बता दूँ कैट 5 और कैट 5e के बीच में डिफरेंसेस।
तो इसमें एक तो नेटवर्क सपोर्ट, तो कैट 5 में नेटवर्क का सपोर्ट इतना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, कैट 5 ई में इससे कई गुना ज़्यादा है, यानी 1 GHz की स्पीड से वो चल सकता है। फिर लेस क्रॉस टॉक, जबकि 5E में क्रॉस टॉक थोड़ा सा ज़्यादा है, 5E में क्रॉस टॉक थोड़ा सा कम है, यानी आपका जो अलग प्रकार का जो सिग्नल जनरेट होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस बोलते हैं, वो यहाँ पे कम कर दिया गया है 5E के अंदर, जबकि 5 में ज़्यादा थे। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की कैपेसिटी ये जो है 100 350 MHz पे काम करता है, सो इसमें बैंडविड्थ भी बढ़ा दी गई है, तो इसके एडवांटेज है। तो अब अगर आप बाज़ार में लेने जाओगे ना, तो कैट 5 मिलता ही नहीं है, कैट 5E ही मिलता है अभी आज की तारीख में। दोनों का रेट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद कैट 5E और कैट 6 के बारे में अगर डिफरेंशिएट करूँ, तो मैं आपको इसके ज़रिए आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। देखो, ये कैट 5E है और एक कैट 6 है। कैट 5E के अंदर ट्विस्टेड पैर है, 4 अलग अलग पैर के वायर है, लेकिन कैट 6 में देखो बीच में एक स्प्लिटर है। ये स्प्लिटर की खासियत ऐसी है, ये पूरी वायर के अंदर रहता है और ये चारों जो पैर है ना उसको अलग अलग रखता है, दूर दूर रखता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस रहता है वो बहुत कम हो जाता है। यानी मान लो कि इसको 100 मीटर के बाद अगर आपको कुछ स्विच या राउटर लगाना पड़ता है, तो इसको 200 मीटर के बाद लगाना पड़ेगा, इतना अच्छा कम्युनिकेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा करना है नेटवर्किंग, और सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छा चाहिए, तो कैट 6 ही बेस्ट है। तो कैट 6 एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, जो 100 MHz की स्पीड से काम कर सकता है, और इसमें क्रॉस टॉक जैसे मैंने बताया कि बहुत 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 कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल हाई एंड तक पहुँच पाते हैं। ये 200 मीटर्स तक अपने सिग्नल्स को लेके जा सकता है। सो ये जो है कैट 6। तो आज की तारीख में अगर मैं प्रीफर करूँगा एक ऑफिस में नेटवर्किंग करने के लिए, एक स्मॉल ऑफिस में, तो कैट 6 है। ओके, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल बेस्ट है, बेस्ट। लेकिन फ़िलहाल इतना फ़र्क है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, इसके लिए ज़्यादा लोग हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल हम नॉर्मल ऑफिस में नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेशन का रेट की बात होती है, तो वहाँ पे कंपलसरी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ही इस्तेमाल लोग करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली चलता कैसा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स सिग्नल्स के ऊपर चलता है। यानी अब तक के वायर्स जब भी देखे आप लोग ने, वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से चलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ पल्सेस जनरेट किए जाते हैं 5 वोल्ट के, और उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, यहाँ पे लाइट से काम चलता है पूरा। इसका पूरा पूरा डिटेल्स मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। फाइबर ऑप्टिक के लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीक तक मैं लॉन्च कर दूंगा। सो उसमें पूरी तरह से फाइबर ऑप्टिक्स का डिटेल्स दिया गया रहेगा। इसमें कैसा है कि उसमें अलग अलग मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, सिंगल मोड, मल्टी मोड। सिंगल मोड की अगर बात करें तो 60 किलोमीटर्स तक एक सिग्नल को लेके जा सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यस, 60 किलोमीटर्स, यहाँ पर मीटर्स की बात नहीं हो रही, 60 किलोमीटर्स की बात हो रही है। और मल्टी मोड के अंदर 2 किलोमीटर तक विदाउट इंटरफेरेंस चल सकता है। दूसरा, ये इतना हाईली स्पीड लेकर जाता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। एक नॉर्मल बाल के जितना अपना वायर रहता है, एक ट्यूब ही रहता है बेसिकली, एक कांच का ट्यूब रहता है, नली रहता है, जिसके अंदर से लाइट के सिग्नल्स को पसार किया जाता है। ये उसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो इससे मेरी जो स्पीड है ना, वो कई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो अभी हम लोग 1000 Mbps की बात करें ना, मैं GBPS की बात करूँगा, इतनी स्पीड से चल सकता है ये। यस, 1000 GBPS की स्पीड से भी ये चल सकता है, इतना अच्छा। और अभी जो हमारा इंटरनेट वगैरह जो भी चलता है ना, वो जनरली फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से ही चल रहा है। जो US ने इंटरनेट की रिसर्च किया, फिर जो जो अपना जो समुद्र है, सी है, सी लेवल, उसके अंदर भी यही वायर पूरा बिछा हुआ है, जिसके ज़रिए हर कंट्री आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है इंटरनेट की वजह से, तो उसके अंदर भी इसी केबल का इस्तेमाल किया गया है। सो ये है फाइबर ऑप्टिक केबल। मैं और आपको डिटेल्स बताऊँगा आगे फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में। फिलहाल मैं हम लोग पूरा रिव्यू देख लेते हैं कि क्या रहता है। अभी UTP केबल की बात करूँ तो उसका जो लेंथ है 100 मीटर्स तक, STB भी 100 मीटर्स, कोरेक्सल केबल 500 मीटर्स तक, लेकिन इसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। फाइबर ऑप्टिक केबल 10 किलोमीटर्स, यस 10 किलोमीटर्स तक विदाउट एनी इंटरफेरेंस अपना डेटा सिग्नल लेके जाए। ये 100 मीटर्स है जो हम लोग UTP केबल यूज़ करते हैं, और ये 10 किलोमीटर। यस, स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 100 to 1000 Mbps, ये 10 to 100 Mbps, कोएक्सिलर 10 to 100 Mbps, और फाइबर ऑप्टिक्स 100 GBPS। देखो यहाँ पे 100 Mbps से स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये लोग ख़त्म होते हैं ना, यहाँ से वो स्टार्ट होता है, और GBPS तक वो सिग्नल को लेके जा सकता है। यस, 100 GBPS।
उसका कॉस्टिंग वाइज देखेंगे तो ये बहुत सस्ता है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा और एक्सपेंसिव, और एकदम एक्सपेंसिव देखेंगे तो कैटेगरी वाइज एक्सपेंसिव फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एडवांटेज की बात करेंगे तो ईजी टू इंस्टॉलेशन वाइडली अवेलेबल है आज की तारीख में, और जबकि इसमें क्रॉस टॉक तो बहुत कम हो गया है इसके अंदर, लेकिन इसकी थिकनेस की वजह से यूटीबी की कंपैरिजन में इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोएक्सियल की थिकनेस सबसे ज़्यादा है इसलिए तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, लेकिन कॉपर मीडिया होने की वजह से बहुत अच्छा, मतलब हमको कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा ये कोएक्सियल केबल है, इसलिए हमारे जो टीवी के सिग्नल्स इस पर ही चलते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स की बात करो तो इसमें तो एकदम ये जैसे मैंने बताया कि 100 GBPS यानी फुल टॉप स्पीड में ये चलता है, और लाइट की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस का तो प्रॉब्लम आएगा नहीं, लाइट है और उसकी लाइट की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बढ़िया बनाएगी कि आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। और डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर आपका फाइबर ऑप्टिक केबल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ से टूटा है वायर वो आपको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल वहाँ पर ही खाली मार खा रहा है। बाकी यूटीबी केबल की बात करूँ तो यूटीबी केबल के अंदर ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चल सकता है, 100 मीटर्स तक का रेंज है, तब तक आप लेकर जाओ उस तब तक वो चल पाएगा। फिर एसटीपी केबल में भी सेम है, लेकिन कोएक्सल केबल उसका लिमिटेशन है थिकनेस, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया। सो ये जो मेरा शॉर्ट वीडियो था, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि अलग अलग टाइप्स के केबल्स का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर नॉर्मल ऑफिस की बात करें तो हम लोग Cat6 UTP केबल का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा हैवी ऑफिस रहेगा तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल करता है। तो आज की तारीख में नेटवर्क करने के लिए ये दो वायर का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा एक वायर जो है विदाउट वायरलेस, जो आज हमारे राउटर जो मिलते हैं बाज़ार में उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। यस, नेटवर्किंग करने के लिए उसके थ्रू भी सहारा हम लोग ले सकते हैं। सो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के वीडियोज़ में बताते जाऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई होप मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं। आप इसी तरह मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यूअर्स आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, आपके फेसबुक अकाउंट में ये वीडियो शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करेंगे तो इतने मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको बना के बता सकता हूँ। यस, थैंक्स फॉर लिसनिंग।